वेलकम इन ऑनलाइन क्लास ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 10। अभी आप लोग का टॉपिक चल रहा है एसिड, ठीक है। एसिड्स क्या होता है, एसिड्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स बताए हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब एसिड का क्लासिफिकेशन। हम तीन मेथड से आप लोग को बताए हैं कि एसिड को हम क्लासीफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स में दो होता है, मिनरल एसिड एक होता है और ऑर्गेनिक एसिड होता है। उसके बाद होता है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन, मतलब आयन के आधार पर, आयन के आधार पर भी दो होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के आधार पर भी एसिड को दो भागों में बांटते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। इतना हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आज आप लोग को बताएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिड का, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ठीक है, एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिड का होता है, इट इज सावर इन टेस्ट। टेस्ट में क्या होता है, सावर होता है। नंबर टू, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, ठीक है। ब्लू को क्या में कन्वर्ट करता है, रेड में कन्वर्ट करता है। नंबर थ्री, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी को देखिए, कोई भी सॉल्यूशन, एसिड हो, बेस हो, साल्ट हो, सब कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। अब एसिड का ही सॉल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। हाउ, कैसे कैसे करता है, एसिड में क्या होता है, H+ आयन्स होते हैं, हाइड्रोजन आयन्स होते हैं। आयन के चलते एसिड जो होता है सॉल्यूशन क्या करता है, कंडक्ट करता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन्स, यहाँ लिखना पड़ेगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन्स, आयन्स के प्रेजेंस के कारण। एसिड में कौन सा आयन्स होता है, H+ आयन होता है। एसिड का क्या हुआ, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ, ठीक है। अब आप लोगों को बताएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है। अब हम बताएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, मेन केमिकल प्रॉपर्टीज होता है कि मतलब कैसे ये रिएक्ट करता है, कैसे ये रिएक्ट करता है।